भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साप्ताहिक योगचर्या, सप्ताह भर के लिए विशेष योगी कार्यक्रम। और आज हम बता रहे हैं बैठ करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी योगासन। और उससे पहले सात प्राणायाम तो आपको सातों दिन करने हैं। आज साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत शुक्रवार का ये स्पेशल एपिसोड, विशेष कार्यक्रम। और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास। लंबे गहरे श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास भीतर गहरे भरे, आंखें बंद मन सहज, लंबे गहरे श्वास भरते हुए मन में एक ही विचार, ब्रह्मांड की समस्त दिव्यता मेरे इस पिंड में, देह में उतर रही है। प्रभु की दिव्यता, उसकी ऊर्जा पा रहा। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ी देर करना। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। आज हम सात प्राणायाम थोड़े कम समय के लिए करेंगे, क्योंकि आज आसन होंगी ज्यादा, इसलिए आज प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा कम। प्रतिदिन के अभ्यास क्रम में 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट लगभग कपालभाति, 3 बार लगभग 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम, 15 मिनट लगभग अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 3 से 5 बार, और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये इतना समय होता है प्राणायाम के लिए, परंतु आज क्योंकि योगासना में अधिक करने, इसलिए प्राणायाम थोड़ा कम। अब कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, और बाहर छोड़ते हुए निरंतर एक ही विचार, एक ही संकल्प कि सब विकार, सब व्याधियां, सब रोग दोष अशुद्धियां बाहर निकल रही, देह देवालय बन रहा है।
छोड़ते रहे सांसों को बाहर और मन ही मन एक विचार एक संकल्प, सब रोग विकार दोष अशुद्धियां सारी नकारात्मकता काम क्रोध लोभ मोह वितृष्णा सब विकार क्षीण हो रहे हैं, कट रहे हैं बंधन, मिट रहा है अज्ञान, सब संसार भ्रम मिटेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ना, तुम जुड़ोगे अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, ये कपालभाति प्राणायाम। और इसके बाद में बाह्य प्राणायाम, श्वासों को अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, बाह्य प्राणायाम होगा। बाह्य प्राणायाम के बाद अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को उठा लेंगे, दाएं नाक को बंद कर लेंगे, अंगूठे से बाएं नाक से सांस को भीतर गहरा भरेंगे, अब बाएं नाक को बीच की दो उंगलियों से बंद करके दाएं से बाहर छोड़ देंगे। करते रहिए पूरी लयबद्धता के साथ। स्टॉप, एक अनुष्ठान की तरह पूरी श्रद्धा से समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए शरीर मन प्राण आत्मा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ आभामय ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है, मैं प्रकाशमान हो रहा हूं और उस ज्योतिर्मय तेजोमय प्रभु के तेज को पा रहा हूं। इस भाव के साथ ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा लेना लंबा छोड़ना, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुलियों को कानपुरी बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद पूरे भाव और श्रद्धा के साथ आज चक्र में ओम नाम का भानु उदित सा आपको प्रतीत होगा। श्वास भीतर गहरा भर पूरी श्रद्धा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तीन बार। Yeah.
अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में अवस्थित हो। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भरते हुए ब्रह्म का आह्वान। श्वासों पर थोड़ी देर ओम का ध्यान, प्रणव की आराधना, ईश वंदना, भगवान का स्तवन, उसी की उपासना, उसी से प्रार्थना, एकाकार हो जाए विराट के साथ। गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का दिन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लें। इतना सा प्राणायाम तो आपको रोज करना है। अब आपको हम कराएंगे कुछ विशेष योगी का आसन, आज बैठ करके करने वाले योगासन। सप्ताह के 7 दिनों में हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको लगभग लगभग अधिकतम जो आप योगाभ्यास कर सके उन योगासनों को हम इन 7 दिनों में सम्मिलित कर रहे हैं। और आज कर रहे हैं हम शुक्रवार के लिए योगाभ्यास, विशेष रूप से दंडासन में सीधे बैठ करके प्रारंभ करते हैं आज के योगाभ्यासों को। बैठ करके करने वाले समस्त योगासन दंडासन की स्थिति से बैठ करके प्रारंभ होते हैं। ये सीधे बैठना, ये दंडासन। अब हम करेंगे वज्रासन समूह के आसन। पहले बाएं पैर को मुंडा बाहर की ओर रेडी, पंजा अंदर की ओर, इसी तरह से दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। तो ये वज्रासन, वज्रासन समूह के आसनों के क्रम में यह वज्रासन। खाने के बाद इस आसन में बैठा जा सकता है, एक ही आसन खाने के बाद किया जा सकता है। शेष सभी आसन प्राणायाम सभी खाली पेट ही किए जाते हैं। खाने के बाद वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, इसे डाइजेशन अच्छा रहेगा। बाकी समस्त आसन खाली पेट ही करने, और खास 2 सावधानियां। कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यास बिल्कुल नहीं करना। हर्निया है तो पीछे झुकने वाले अभ्यास न करना। हार्ट IBP की प्रॉब्लम है, शरीर बहुत कमजोर है, तो ये हम जो कठिन अभ्यास करवाएंगे ये न करना, सरल अभ्यास वो कर सकेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे। ये 2 श्वासों के खास नियम होंगे, इतनी सी सावधानी जरूर ध्यान रखें। और खाली पेट ही प्राणायाम योग अभ्यास करेंगे। खाने के बाद करना हो तो 5 घंटे बाद। मंडूकासन, वज्रासन समूह के आसनों का प्रारंभ करते हुए अंगूठे अंदर की ओर, उंगलियां पीछे से मिला देंगे, मुठ्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगा दें। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास एक बार अंदर भरे, सिर नहीं झुकाते, वापस जाते हैं। ये मंडूकासन का फर्स्ट पोज, इसको 1 से 3 बार 5 बार तक किया जा सकता है। सेकंड पोज मंडूकासन का, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। आज हम जो योगासन कर रहे हैं एक एक बार ही करेंगे। इन योगासनों का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं साधारणतया। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे।